नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के संबंध में। जितने भी लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में शामिल होना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं झारखंड से, तो आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीएड में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है। आपको अच्छा मेरिट, अच्छा रैंक प्राप्त करना होगा, तभी आपको कॉलेज मिल सकता है एडमिशन के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो एक्सपेक्टेड जो संभावित तिथि है वो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए बीएड में नामांकन के लिए, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट की, आखिर कब तक ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो अप्रैल बहुत ही जल्द, ठीक है, अप्रैल का जो लास्ट वीक है, अप्रैल का लास्ट वीक है, लास्ट वीक के अंदर में आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कहाँ से करना है साइट आपको पता है ऑलरेडी। अब यहाँ पर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो है दोस्तों आपका सीबीटी मोड होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल नंबर जो रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा आपका 25%, यानी कि 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तो आप लोगों को पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन जो होना चाहिए दोस्तों ST SC कैंडिडेट के लिए, ST SC कैंडिडेट के लिए होना चाहिए 45% मिनिमम, और OBC और जनरल के लिए होना चाहिए 50%, OBC जनरल के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ST SC के लिए आपके होने चाहिए 45%। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग पेपर पैटर्न की, सिलेबस किस तरह से आपका रहेगा और कितने पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, तो बने रहिए। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर पेपर की, पैटर्न की, तो यहाँ जो पेपर का जो आपका पैटर्न है तीन ग्रुप्स में डिवाइड है। सबसे पहला ग्रुप जो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, यानी कि भाषा दक्षता। तो भाषा दक्षता में आपका इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, तो इसमें आपका ये सब डिवाइडेड है। फिर हिंदी भाषा दक्षता, यानी कि हिंदी प्रोफिशिएंसी, हिंदी भाषा दक्षता आपका हो जाएगा ये, और इंग्लिश भी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें से भी आपका 15 मार्क्स रहेगा और इसमें आपका रहेगा 15 मार्क्स। यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहेगा इसमें आपका हिंदी भी रहेगा और साथ ही साथ इंग्लिश रहेगा, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में यहाँ पर आपका टोटल 15-15-30 मार्क्स हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें से आपका रहेगा 40 मार्क्स का, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे। और एक पार्ट है आपका, और ये रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, तो इसमें भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रिफरेंसी से यहाँ पर आपका 30 मार्क्स हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश मिला के, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स। तो यहाँ पर जो मुख्य बात आपको ध्यान देनी है, अपनी तैयारी को अगर बेहतर बनाना है तो आप ज़्यादा फोकस करोगे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपको हिंदी का तो नॉलेज होगा ही, इंग्लिश का तो नॉलेज थोड़ा बहुत होगा,
तो इसका प्रैक्टिस मैं यहाँ पर करवाऊंगा चैनल में, और इसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो रीजनिंग आपको आता ही होगा, रीजनिंग थोड़ा बहुत कर ही लेते होंगे, तो रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए यहाँ पर नया जो है दोस्तों वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि, ये आपके लिए नया है और इसी में ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि 40 मार्क्स इसी में, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इस पर और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा, और झारखंड बीएड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं लगातार यहाँ बीएड से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, और टेट सीटेट जितने भी झारखंड में गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं सबका अपडेट देता रहता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, चैनल में नहीं आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।